सुरेश भट्ट को भाजपा उत्तराखंड का प्रदेश महामंत्री नियुक्त होने पर निष्ठान वितरण। काला ढूंगी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने सुरेश भट्ट को भाजपा उत्तराखंड का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने भट्ट के प्रदेश महामंत्री बनने के बाद काला ढूंगी मुख्य बस स्टैंड पर निष्ठान वितरण किया। इस दौरान भगत ने कहा कि सुरेश भट्ट के प्रदेश महामंत्री बनने से उत्तराखंड में संगठन को और गति मिलेगी व उनके अनुभव का लाभ प्रदेश भाजपा को प्राप्त होगा। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि उत्तराखंड भाजपा में प्रदेश महामंत्री के 3 पद हैं। इनमें से एक पद बंसीधर भगत के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करने व उनके द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों व कार्य समिति की घोषणा के बाद से ही रिक्त चल रहा है। इस रिक्त पद प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सुरेश भट्ट की नियुक्ति की गई है। सुरेश भट्ट इससे पहले हरियाणा में भाजपा महामंत्री थे और द्वारा ग्राम सभा के निवासी हैं, तो इसलिए काला ढूंगी मंडल द्वारा वर्षीय व्यक्त किया गया और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा निष्ठान वितरण कार्यक्रम किया गया और कितने का आभार व्यक्त किया गया। कितने कार्यकर्ता मौजूद रहे और क्या 25-30 कार्यकर्ता इसमें उपस्थित थे। मंडल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल के पदाधिकारी, बूथ के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता इसमें उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के काला ढूंगी कार्यकर्ता या पूरे उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जिस तरह से भट्ट जी अपने काम के प्रति निष्ठा काम करते हैं, हरियाणा में 0 से लेकर 2 बार लगातार सरकार बनाई, ये सब भट्ट जी की देन है। और उत्तराखंड में भी ये हमेशा इसके लिए प्रगतिशील है और हमारे भविष्य के मतलब सुप्रीमो बन सकते हैं, ये हमारी उनसे उम्मीद है। और यहाँ काला ढूंगी में और पूरे उत्तराखंड में उनके यहाँ संगठन मंत्री बनने पर बहुत खुशी है, घर घर खुशी है। कल से लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं कि इनके आने से उत्तराखंड में भाजपा और दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस करेगी।